ritmo te lleva a mover la cabeza y empezar. वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग रहने वाला है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा है। बस है मेरी जो टीम वेडिंग में जो भी काम करेगी वो आपको मैं इस व्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा, और कैसी वहाँ की लोकेशन रहने वाली है और क्या टीम वर्क हमारा रहने वाला है ये आपको सब हमारे इस व्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा। और इधर देख सकते हो अभी हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके हुए हैं, अनुज भाई साथ में है। और हे गाइज, फाइनली हम पहुंच चुके हैं ब्राइडल के घर जो कि देहरादून में है। देहरादून की आज हमारी लोकेशन रहने वाली है और जो वेडिंग भी देहरादून में ही है, और जो हमारे आधे लड़के हैं वह भी रुड़की में, उनको कॉल किया जाएगा और वे कल आएंगे। कल आने के बाद फिर काम जैसे भी होता है, हमारा टीम वर्क जो भी रहेगा हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तब तक आप वीडियो को पूरी देखिए और वीडियो को करेंगे लाइक। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया है, रात मेहंदी थी और मेहंदी का प्रोग्राम हमारी टीम ने अच्छी तरह से किया है। और अभी हम कर रहे हैं नाश्ता और आगे का कार्य हम आपको दिखाएंगे शाम के टाइम। आधी जो टीम है हमारी आने वाली है और टीम वर्क क्या रहेगा, कैसे हमारा काम रहेगा और कहाँ की आज हमारी लोकेशन रहने वाली है और क्या हम काम करने वाले हैं और किस बंदे को क्या काम सौंपा जाएगा। तो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये बिग मास्टर यूनिक सैलून जो कि देहरादून में है, यहाँ हमारी ब्राइडल जो है मेकअप के लिए आई है और यहाँ ब्राइडल का मेकअप होगा। और चलिए हम आपको अंदर दिखाते हैं ब्राइडल का मेकअप कैसे सूट होगा और क्या हम यहाँ से यूनिक चीज़ें देने वाले हैं। बिग मास्टर यूनिक सैलून, अब हम इसके अंदर जाने वाले हैं और ब्राइडल का मेकअप सूट वर्क जो हमारा रहने वाला है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे रहा है। और हम जा रहे हैं अंदर, चलिए अनुज भैया। ओके दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी यहाँ पर सुविधा दी गई है हर चीज़ की। ये हमारी ब्राइडल है। हेलो दोस्तों, तो चलिए हम आपको अंदर दिखा देते हैं कैसा यहाँ का ब्राइडल मेकअप होता है। हेलो मैम, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। जो मैम आई है ब्राइडल लेने की, तो उनका आप लोग मेकअप करने वाले हैं, तो आप लोग उनको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करोगे? एक्चुअली मैम हमारे क्लाइंट हैं, वो हमारे यहाँ से मतलब ब्राइडल ले रहे हैं। एक्चुअली उनका प्री ब्राइडल भी हुआ हमारा बिग मास्टर सैलून जीएमएस रोड पे है। और जीएमएस रोड में हम लोग पूरा ब्यूटी मेकअप और हेयर और नेल्स सारी चीज़ प्रोवाइड करते हैं बिग मास्टर सैलून में। तो मैम की बुकिंग हमारे साथ पास है। मैम हमारे बहुत अच्छे कस्टमर है, बहुत अच्छे क्लाइंट है, शुरू से ही आते हैं मैम हमारे पास ना। तो आज उनका वेडिंग डे है तो आज उनको रेडी करना है। आप लोग उनको क्या स्पेशल मतलब? स्पेशल हम अपने ब्राइड को रेडी करेंगे, आप देखिएगा कैसे हम रेडी करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको वीडियो के माध्यम से बताया गया, मैंने बताया कि ब्राइडल को तैयार करेंगे और ब्राइडल का जो मेकअप रहने वाला है बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे, ये आपको बाद में देखना होगा। तो दोस्तों, अभी सूट करने के लिए हम रेडी हो चुके हैं। हमने ब्राइडल का लहंगा जो है ले लिया है, ब्राइडल की ज्वेलरी वगैरह सब हमारे पास है। अब हम सूट करेंगे। तो दोस्तों, ब्राइडल का जो ड्रेसेस होते हैं वो हमने सूट कर दिया है। सूट करने के बाद हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि ब्राइडल कब तैयार हो और कब हम अपना सूट वर्क करें। अभी हमें पार्लर वालों ने चाय प्रोवाइड की है, आप लोग चाय पियो और हम भी चाय पी रहे हैं। अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक मैडम नहीं आती हमें, और जब मैडम आएगी तो हम फिर ब्राइडल का सूट करेंगे। हे गाइस, ब्राइडल का मेकअप अभी अंदर स्टार्ट हो चुका है और हम लोग अभी रेस्ट रूम में बैठे हैं। और तब तक आपको मिलाता हूँ विक्की भाई से। विक्की अभी आया है और विक्की को हमने कहा था कि आपको डायरेक्ट यहाँ पार्लर में आना है। तो आप तो दोस्तों देख सकते हैं ब्राइडल हो चुकी है रेडी। तो हे गाइस, फाइनली मैडम हो चुकी है रेडी। और जिन्होंने मैडम को रेडी किया है उनसे पूछते हैं कैसे क्या उनका तैयारी रही।
तैयार करने में। ये देखिए हमारी ब्राइड रेडी हो गई है, हमारी रेनू मैम इतनी ब्यूटीफुल, ऐसे हमने अपनी ब्राइड को रेडी किया है। थैंक यू। तो मैम आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मेकअप अच्छा हुआ है? संतुष्ट हो? बहुत अच्छा। हेलो गाइज, मैं फाइनली पहुंच चुका हूं वेडिंग पॉइंट पे। आधे लड़के जो है वो अंदर वर्क कर रहे हैं। मेरा जो आज का वर्क रहने वाला है वो कैंडिड वर्क है। आप वीडियो में देखना कौन बंदा कौन सा काम कर रहा है, और मैं अपनी ओर से आज यहां पर बेस्ट से बेस्ट देना चाहूंगा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए कैसी वीडियो है और क्या मैं आज यूनिक दिखाने वाला हूँ। हे गाइस, चलो आपको हम दिखाते हैं वेडिंग पॉइंट की कैसी यहाँ की लोकेशन है और कैसी यहाँ की डेकोरेशन है। होटल का नाम है सन पार्क इन, देहरादून में है ये। हाँ कदों फिर आऊगी बराब जटावे, मेरे दिल विच रहनी है ही बाब जटावे। वे मैं तो तेरे उत्ते सेंटी होई पाली फिरदी, कदे किसे नू ना दिता सगा पाचन वे। ये ब्राइडल के भाई
आप अपना इनसे पूछते हैं आज हमने जो सूट वर्क किया है वो कैसा रहा है हमारा सूट। वैसे ओवरऑल ओके था, बहुत अच्छा लगा और इसने पर्सनल जो शूट्स लिए हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव थे। मेरी फैमिली काफ़ी इंप्रेस है इनके शूट से, उनका हमने पहले भी काम देखा हुआ है इसलिए आज यहाँ पे हैं ये। और आज के शूट के बाद भी हमें काफ़ी मज़ा आया, उसके बाद आगे इन फ्यूचर देखते हैं कि कहाँ कहाँ मौका मिलेगा इनको बुलाने का। हे गाइस, हमारा शूट जो था आधा कंप्लीट हो चुका है और जैसा कि आपको वीडियो के माध्यम से दिखा जा रहा है ये मेरी ऑल टीम है। और यार वैसे तो ये भाई बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा तो इसका नेचर है जिस वजह से आज मैंने इसको यहाँ पे बुलाया है। हमारा जो एंगेजमेंट वाला शूट हुआ था वो भी काफ़ी अच्छा हुआ था, एंगेजमेंट में भी हमने इसका शूट देखा, इसने जो वीडियो बनाई है एल्बम बनाई है बहुत अच्छी थी, हालांकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी लेकिन इसने काम बहुत अच्छा करके दिया। और तो हमारी ओर से कुछ गलती तो नहीं, जो छोटी मोटी तो कमियां हर जगह होती हैं तो वो भी आपको मैंने करेक्शन के लिए बोला, आपने कर भी दी और वो अब बहुत फैबुलस हो गई है। और मैं तो बल्कि अपने फ्रेंड्स लोग को भी एडवाइस देता हूँ कि भाई मुकुल से कराओ फोटोग्राफी, बहुत अच्छी फोटोग्राफी करता है, बहुत अच्छी एल्बम बनाता है। मैम आज क्लोज हो गई, कैमरा लोग पंडित के पास है। जो हमारा सूट वर्क रहा तो आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया था, आप लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे आप लोग, ठीक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी ये है कि इवेंट जैसे जैसे होता रहा आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा, तो उसके लिए मैं आपको टीम वर्क आपकी बहुत अच्छी है और पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी है, ये चीज़ें मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। ओके तो चलिए भैया से भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। भैया आज का जो हमने शूट किया है और मेरी टीम अभी भी कार्य पे लगी हुई है, तो हमारा आपको काम कैसा लगा? एक नंबर का। आप लोग बताते हो कि क्या बोलते हैं, मतलब कैसे करना है कैसे नहीं करना, किस हिसाब, मतलब किस पोज में फोटोज़ अच्छी आएंगी, वीडियोज़ अच्छी आएंगी, मतलब मेरे को तो ओवरऑल आपका काम बहुत अच्छा लगा, एक नंबर काम। तो क्या आप अपने फ्रेंड लोगों को? बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करूँगा। मैं आप लोगों को मतलब अपने फ्रेंड लोगों को सजेस्ट करूँगा कि हाँ भाई आप लोगों से वीडियोस बनाएं, ठीक है, मतलब आप लोगों से शूटिंग करवाएं, बहुत अच्छा काम, मेरे को आपका एक नंबर काम लगा, बहुत अच्छा काम, ठीक है, ओके। हेलो गाइज, मेरा जो था आज का शूट कम्प्लीट हो चुका है, हमारा टीम वर्क जो भी आपको हमने वीडियो के माध्यम से दिखाया है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें बताइए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो बाय बाय गाइस, मैं भी तो लाइक करो फॉलो करो, मैं भी भाई सब्सिडी कर दियो जी।